आपका टू हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे मैं आपको छोटा सा यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये पता है क्या कर रहा था कि प्रत्येक आयु के संगत एक संख्या होता है, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, तो बचेगा तीन, लेकिन माइनस तीन हो जाएगा। पूछिए क्यों माइनस तीन, इसीलिए होगा क्योंकि प्रत्येक आयु के कोरेस्पॉन्डिंग आपको संख्या मिलेगा जो उस वर्ग आयु का सार निकल रहा था। तो अगर मैं प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया फाइव टू और जीरो लिख दिया और उसके बाद यार जो मैंने टू लिख दिया, ठीक है, चलो इसका जो है बी का डिटरमिनेंट निकाल करके बताओ, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो बचेगा बी वन सी वन बी थ्री सी थ्री, बी वन सी वन बी थ्री सी थ्री, देखो, हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि मैथ में हम लोगों ने जो यहां पर तीन चैप्टर का वन शॉट जो है सीरीज आपका खत्म कर दिया है, और आज प्यारे बच्चों हम लोग करने वाले हैं मैथ का चौथा नंबर का चैप्टर। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर का नाम है आपका सारणिक, इसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है ना एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज प्यारे बच्चों इस चैप्टर को बहुत ज्यादा बेहतरीन ढंग से, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह जो क्लास है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए क्लास को प्यारे बच्चों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात यहां पर थोड़ा सा आपको मैं मोटिवेट कर देना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है तैयारी करते करते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेशन देते रहना, मोटिवेट करते रहना, यह बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्यारे बच्चों मोटिवेशन है वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है यहां पर कि जब आप किसी चीज का तैयारी करते हैं, दैट मींस कहने का मतलब है जब आपका एक गोल सेट हो जाता है, उस गोल को लेकर के आप एक सपना देखते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपने कुछ गोल सेलेक्ट किया और वो गोल आपको अचानक से मिल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके लिए प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। उसी को लेकर के एक शायरी है, एक मोटिवेशन टाइप का है, कह रहा है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे प्यारे बच्चे इस अच्छे से क्लास को शुरुआत। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सारणिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिटरमिनेंट, ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे इसके पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, यानी कि तीसरा नंबर का चैप्टर जो कि हमारा आव्यूह था, ठीक है, क्या था, आव्यूह, क्योंकि यह जो आपका चैप्टर है पिछला वाला से आपका रिलेटेड ही है, तो अगर आप पिछला वाला चैप्टर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आपका मोस्ट वेलकम है, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं यहां पर बिल्कुल बेसिक से। तो पहली बात तो हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो आपका सारणिक है, ये जो आपका प्यारे बच्चों सारणिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट, ये है क्या। तो देखिए कह रहे कि प्रत्येक आव्यूह, प्रत्येक आव्यूह के संगत, जितना भी हमारा आव्यूह है, चाहे तो वो फिर तो आपका 1/1 ऑर्डर का हो, 2/2 ऑर्डर का हो, मतलब किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। तो कह रहा कि प्रत्येक आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चों कोई भी आव्यूह हो तो उस आव्यूह के कोरेस्पॉन्डिंग एक संख्या मिलता है, क्या मिलता है, एक संख्या, और वो जो संख्या मिलता है ना उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, सारणिक कहते हैं। लेकिन यहां पर कैसा आव्यूह होना चाहिए, तो वो कह रहा है कि यहां पर वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कैसा आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जांपल, सपोज करिए कि हमारे पास ए जो है एक मैट्रिक्स है, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आप आव्यूह देख रहे हो ना, तो ये तो हमारा आव्यूह है, ये हमारा क्या है, आव्यूह है, ठीक है, चलो गुड। अब अगर मैं इस आव्यूह को प्यारे बच्चों सारणिक बना दूं, तो सारणिक कैसे बनाएंगे ये भी जरा देख लो। इस आव्यूह को मैं बनाने वाला हूं सारणिक, क्या बनाने वाला हूं, सारणिक, ठीक है। तो सारणिक कैसे बनाएंगे, देखो इसको प्यारे बच्चे बोलेंगे डिटरमिनेंट ए, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ए। और साथ ही साथ यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो आप इस तरीके से यहां पर जो लाइन है ना इसको हटा करके सीधी सीधी लाइन खींचेंगे, यानी कि आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ये सीधी सीधी दो लाइनें खींच देंगे, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट। अब ये जो आप देख रहे हो मैट्रिक्स से जो आपका डिटरमिनेंट बना है, जो आपका प्यारे बच्चों सारणिक बना है, इसका कुछ वैल्यू होता है, इसका क्या होता है, कुछ वैल्यू, कैसे वैल्यू यहां पर जनरेट करते हैं। तो हालांकि ये 2/2 ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट है ना, अब ये डिटरमिनेंट है, पहले आपका मैट्रिक्स था यानी कि आव्यूह था, तो इसका एक वैल्यू होता है। कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो 4 में से एक को गुना कर लेते हैं, अभी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, 4 में से एक को गुना कर लेंगे और इसमें से इसको गुना कर लेंगे, तो 3 में से 2 गुना कर लीजिए, ठीक है।
अब इसका कैलकुलेशन करिए, तो 4 1 4 हो गया, माइनस 3 2 आपका 6 हो गया, कितना जाएगा माइनस का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको छोटा सा यहां पर से एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये पता है क्या कह रहा था कि प्रत्येक आवयव के संगत एक संख्या होता है, प्रत्येक आवयव के कोरेस्पोंडिंग एक आपको संख्या मिलेगा जो उस वर्ग आवयव का सार नहीं कहलाता है। तो अगर मैं प्यारे बच्चों इस यहां पर जो है जो आपने मैंने यहां पर एग्जांपल लिया ए, ये जो हमारा आवयव है, इस आवयव के संगत जो हमने सारणिक बनाया, इसका देखो वैल्यू की संख्या ही आया ना, कितना आया -2, तो यही आपका क्या कहलाता है, इस आवयव का सारणिक कहलाता है। मतलब अगर हम ऐसे समझे कि जो हमारा आवयव है वो कुछ नहीं है, आवयव से जब आपका पैर तो सारणिक बनता है तो सारणिक में आपका एक संख्या मिलता है, क्या मिलता है संख्या, और संख्या कैसे मिलता है तो ये भी मैंने थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। अब अगर किसी बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं भी आपको सिखाने वाला हूं, बस आप थोड़ा सा ये समझिए कि आवयव जो है वो आपका सारणिक बना, कैसे, दो लाइन ऐसे खींच देंगे और इसका कैलकुलेशन के बाद कोई नंबर मिलेगा, तो इसीलिए ये आपका आवयव सारणिक बन गया, ठीक। अच्छा, करें कि किसी आवयव ए के सारणिक को इस तरीके से सूचित करेंगे, या तो इसको डीईटी, डीटी मतलब डिटरमिनेंट का, जो यहां पे आपका शॉर्ट फॉर्मेट लिखा हुआ, तो डीईटी उसके बाद आपका ए के सूचित किया जाता है, यानी कि मान के चलो कि अगर हम आवयव बी का सारणिक बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डीईटी बी, यानी कि डिटरमिनेंट बी का। अगर मैं सी का प्यारे बच्चों यहां पर जो है क्या बना रहा हूं, सारणिक बना रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डीईटी, यानी डिटरमिनेंट किसका, सी का। इस तरीके से लिखने का प्यारे क्या है आपका, सांकेतिक रूप है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सारणिक आपका क्या है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे प्यारे बच्चों आपका कह रहा है कि अलग अलग कोटि के वर्ग आवयव का सारणिक, अलग अलग कोटि के जो हमारा वर्ग आवयव होगा उसका हम लोग सारणिक देखेंगे, ठीक है। एक बात तो सबसे पहली बात आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए पहला ही पॉइंट में, ठीक है, कि जो हमारा सारणिक बनता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ग आवयव का बनता है, ठीक है, किसका बनता है, वर्ग आवयव का। अगर कोई आपका वर्ग आवयव नहीं है तो समझिए प्यारे बच्चों उसका सारणिक कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सारणिक में आपका क्या निकलता है, एक नंबर निकल करके आता है, और अगर आपका वर्ग आवयव नहीं रहेगा तो वो प्यारे बच्चों आपका नंबर निकल करके नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर सबसे पहली बात जो आपका सारणिक होगा वो एक वर्ग आवयव होगा, ठीक है। अब आगे कह रहे कि अलग अलग कोटि के वर्ग आवयव का सारणिक, अब यहां पर आपका अलग अलग जो आपका कोटि के जो वर्ग आवयव है उसका प्यारे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सारणिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात हम बात करते हैं कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक एक ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का, ठीक है, कह रहा है एक कोटि के आवयव का सारणिक। अब मान करके चलो कि हमारे पास प्यारे बच्चों अगर कोई आवयव है 1/1 ऑर्डर का, कितना ऑर्डर का, 1/1 ऑर्डर का, अगर हमारे पास मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है और अगर मैं उसका मान करके चलो कि सारणिक निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, सारणिक निकालना चाहता हूं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा एसी में कम कर रहा हूं, तो आप लोग टेंशन मतलब थोड़ा सा रुक जा, हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर प्यारे बच्चों करना क्या चाह रहा हूं कि हमारे पास अगर एक कोटि का कोई आवयव है तो इसका मैं सारणिक निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये कह रहा है कि सपोज दैट ए कोई आवयव है और इसके अंदर कोई एलिमेंट है, क्योंकि एक ऑर्डर का आप समझ सकते हो, अगर मैंने लिख दिया ए बराबर, मैंने लिख दिया 5, तो ये आपका 1/1 ऑर्डर का, ठीक है, यानी कि एक रो एक कॉलम है, सभी को दिख रहा होगा, ठीक। इसका सारणिक क्या होगा, तो सारणिक निकालने के लिए ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो वही वाला अंदर का एलिमेंट होगा। अब जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया कि ये जो हमारा आवयव है ये 1/1 ऑर्डर का है, इसका सारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसका सारणिक निकालोगे ना तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वही आंसर हो जाएगा, बस 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कोई प्यारे सी जो है आवयव है, जैसे कि ये देखो सी हमारा ये आवयव है, ठीक है, गुड। और अगर मैं इसका प्यारे बच्चों निकाल दूं, क्या अगर मैं इसका निकाल दूं सारणिक, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अंदर में जो एलिमेंट रहेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक कोटि के आवयव का जो सारणिक निकालेंगे वो बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ में आ गया सही बच्चों को। अब बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि दो कोटि के वर्ग आवयव का सारणिक, अगर हमारे पास दो ऑर्डर का कोई प्यारे बच्चों वर्ग आवयव है तो उसका सारणिक कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका बच्चों हम लोग सारणिक कैसे निकालेंगे, तो पहली बात तो यहां पर देखिए हमारे पास एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स है ए, और यहां पर 4 एलिमेंट है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। और इसका मतलब क्या आपको पता चल रहा है कि पहला रो पहला कॉलम है, पहला रो पहला कॉलम, और ये आपका कौन सा एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम का, इसीलिए आपका A12 है, इतना तो सभी बच्चों को पता चल रहा होगा, ठीक है।
अब ये आपका बेसिक प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि बेसिक फॉर्मूला है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, ठीक है। अब मैट्रिक्स तो आपका कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर ये हमारा इस तरीके का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो इसका सारणिक कैसे निकालेंगे, तो देख लो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का जो प्यार जो सारणिक होगा वो पता है क्या होगा, एकदम हमेशा से याद रखिएगा। देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि आप करोगे A11 में से आप A22 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बीच में लगाओगे माइनस, अब इन दोनों को भी आप करोगे मल्टीप्लाई, किसको किसको, इन दोनों को भी आप प्यारे बच्चों करोगे मल्टीप्लाई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा A21 और उसके बाद आपका A12 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को घटा दोगे। ये प्यारे बच्चों आपका जो है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का सारणिक निकालने का फॉर्मूला है। अब मैं थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल भी करवा देता हूं, ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे दी आपको, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपका आव्यूह है ए बराबर हमने यहां पर लिख दिया 5, 2, 3 और 4, ठीक है, और मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा, ए हमारे पास प्यार जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, और अब मैं इसमें बोल रहा हूं कि इसका जो है क्या निकालिए, तो प्यार जो इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने आपको क्या बोला कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि 5x4 होगा, माइनस होगा बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x2 होगा, ठीक है, 5x20 हो गया, माइनस आपका 3x6, 20 में से 6 जाएगा तो आपका 14, लीजिए डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है वो कितना आया, 14 आ गया। इतना प्यारे बच्चों आपका आसान है, समझ में आ रहा है सही बच्चों को, एक बार यस करके लिखो कमेंट में। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं इसीलिए आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है, मैं सभी बच्चों का कमेंट पढ़ता हूं। यहां पर सपोज करिए कि बी बराबर मैंने लिख दिया 5, 2 और 0 लिख दिया और उसके बाद प्यार जो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, चलो इसका जो है बी का डिटरमिनेंट निकाल करके बताओगे, क्या निकाल करके बताओगे, डिटरमिनेंट ऑफ वी, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे, अरे बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब थर्ड नंबर पे हम देखने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक, 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक। अभी तक हम लोगों ने 2 ऑर्डर का देख लिया, अब हम देखते हैं तीसरे ऑर्डर का, ठीक है, तीसरे ऑर्डर में हम कैसे चेक करेंगे। सपोज करिए कि ऐसा प्यारे बच्चों हमारे पास कोई क्या है आपका जो है मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां पर बेसिक एलिमेंट लिखे हुए A11 होता है, पहला रो पहला कॉलम, ये आपका पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, सभी बच्चों को पता चल रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका प्यार जो सारणिक हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करना होता है कि इसका सारणिक का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, इसको हम बेसिकली पता है कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 6 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इसको हम 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो प्यारे बच्चों ये देखो इसमें कितने रो है, पहला रो दूसरा तीसरा और 3 कॉलम भी, इसीलिए हम इसको 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार यहां पर मैं आपको लिखता हूं कि जैसे मान के चलो कि मेरा मन है कि मैं यहां पर R1, ये आपका रो पहला है, तो मेरा मन है कि R1 के थ्रू मैं यहां पर जो है सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो R1 के थ्रू सॉल्व करने पर आपका मन, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, R1 के थ्रू अगर मैं पैचों इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे मैं करूंगा, तो देखना जरा ध्यान से, R1 के एलिमेंट यही है, दिस एंड उसके बाद आपका दिस। अब जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, यहां पर मैंने लिखा इसको A11, पहला एलिमेंट इसका ले लीजिए A11 है ना, तो यहां पर सबसे पहली बात मैं ले देता हूं डिटरमिनेंट ए का वैल्यू A11, तो A11 आपका बाहर आ गया, ठीक है, अंदर में क्या बचा, अब देखो हम क्या करेंगे कि A11 मैंने लिया ना सबसे पहली बात, तो ये A11 जो है जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, तो ये इस वाला कॉलम में इस वाला रो में इसको हटा दीजिए, तो ये वाला आपका 4 एलिमेंट बचेगा, इसको एक बार आप लिख दीजिए, ठीक है, तो कितना बचेगा A22 बचेगा, ठीक है, और ये आपका A23 बचेगा, नीचे में आपका A33 बच जाएगा, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, गुड। ये वाला एलिमेंट हमने ले लिया था, अभी इस एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो देख रहे हो ना इसके पीछे हम सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब आप पूछोगे कि सर यहां पर तो आपने प्लस लिखा लेकिन ये दूसरा वाला एलिमेंट में ऐसा क्या है कि जो आपने माइनस लिख दिया, अभी मैं आपको बताता हूं।
पहली बात आप लिखो A12, ठीक है, और A12 जिस रो और जिस कॉलम है उसको हटा दिया जाए। फिर से बोल रहा हूं, A12 जिस रो जिस कॉलम है उसको हटा दिया जाए। तो ये आपका पहला रो में है, दूसरा कॉलम में, तो इसको और इसको हटाएंगे तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। इसको लिखा जाए तो A21 क्या बचेगा, A21, A31 बचेगा, और यहां से आपका A23 बचेगा, और यहां से आपका पैर चाहे A33 बचेगा, ठीक है, गुड। अब लास्ट में आपका बचेगा तीसरा वाला एलिमेंट, कितना हो जाएगा A13, तो A13 को अगर इसको इसको मैं हटाऊंगा तो A21 बचेगा, A21, A22, और यहां पर आपका A31, और आपका A32 हो गया, ठीक है। इतना तो बेसिक्स आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो अपने आप में प्यारे बच्चों एक चीज आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि ये भी तो आपका एक सारणिक ही है ना, लेकिन ये आपका ये 2x2 ऑर्डर का आपका जो है सारणिक है, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करके, इसको इसको मल्टीप्लाई करके घटाना होता है, तो फिर से यहां पर हम वही करेंगे। ये तो आपका A11 हो गया, क्या हो गया A11, और इसको कैसे करेंगे, इसको इसको गुना कर देते हैं, यानी कि A22 into A33 गुना कर लेते हैं, और इसमें से घटाएंगे क्या, इसको इसको गुना करके, यानी कि आपका A32 और इंटू आपका A23, क्वेश्चन भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। माइनस ये आपका A12 हो गया, अब इसमें से हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को भी गुना कर लेंगे, उसके बाद घटा लेंगे, एकदम आराम से समझने का प्रयास करिए, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, A21 गुने A33 हो जाएगा, ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, माइनस A31 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, गुना होगा यहां पर A23 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है A13, इसको गुना कर लेते हैं इसमें से फटाफट से, तो A21 और A32, और माइनस इसको भी गुना कर लेते हैं एकदम तेजी से, ठीक है, देखो कहां गया, इसको गुना कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, और उसके बाद घटा दीजिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा A31 माइनस आपका A22, ठीक है। और यही आपका पैर जो क्या है, तो आपका समझिए कि इसको सॉल्व करने का तरीका, लेकिन ये आपको लंबा सा दिख रहा है ना, ये बेसिक फॉर्मूला इसीलिए आपको लंबा सा दिख रहा है, लेकिन अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पर ए जो है मैंने लिख दिया 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और 0, 2, 3, चलो इसका पैर जो हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सपोज करिए कि यहां पर मैं फिर से R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, R1 के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, किसके थ्रू, R1 के थ्रू, ठीक है, ये आपका R1 है। तो पहला एलिमेंट आप क्या उठाओगे, देखो मैं यहां पर निकाल रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर इसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, तो पहला एलिमेंट आपका 1 है, ठीक। अब देखिए ये आपका जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक दिया जाए, तो ये आपका इस कॉलम में है, इस रो में इसको ढक दिया जाए, तो बचेगा कितना, 5, 2, 6, 3 बचेगा, इसको लिख दिया जाए 5, 2 बचेगा, 6 यहां पे आपका 3 बचेगा, ठीक है, ओके। अब लेना है 4, लेकिन 4 के आगे हम लगाएंगे माइनस, अच्छा माइनस क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट में प्लस आएगा, उसके बाद यहां पर माइनस आएगा, यहां पर आपका प्लस आएगा, ठीक है, इसी तरीके से ये आपका प्लस है, ये माइनस, ये आपका प्लस होगा, ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। चलो तो 4 लेंगे तो क्या क्या बचेगा, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपका 0 है ना, तो प्लस में 0, और मुझे लग रहा है इस डिटरमिनेंट में आप कुछ भी लिखोगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो आपका 0 बन जाएगा, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है, आप लिख लेना, बस मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो ये एक हो गया, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करके घटा देंगे, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 15, और माइनस 6 × 2 आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 4 हो गया, इन दोनों को गुना कर लेते तो 3 × 2 आपका 6 हो गया, माइनस 3 × 2 आपका 6 हो गया, और ये तो वैसे भी आपका 0 होने वाला, ठीक है। चलो 15 में से आपका 12 आ, तो 12 × 3 आपका 15, 12 × 3 कितना जाएगा 15, तो यहां से आपका 3 हो गया, माइनस 4, और 6 में से 6 गया तो आपका बेसिकली ये 0 हो गया, ठीक है, इधर में आपका 0 बचा हुआ है, तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना, तो फाइनल आंसर आपका कितना आया, 3 आया, ठीक है, गुड। और अगर किसी बच्चों के मन में होगा कि नहीं सर हम यहां पर R1 के थ्रू इसको जो है सॉल्व नहीं करेंगे, हम R2 के थ्रू जो इसको सॉल्व करेंगे, तब भी प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है ना वो सेम आएगा। कोई बच्चा कह रहा होगा नहीं हम R3 के अलोंग जो इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, या तो चाहे आप C1 से कर लो, या तो C2 से कर लो, या तो आप C3 से कर लो, ठीक है। यानी कि 6 तरीके हैं प्यारे बच्चों आपको एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, और किसी भी तरीके से जो आप सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आने वाला है,
ठीक। चलिए अब पैर जो हम आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है, आगे देखिए फटाफट से। अभी जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अवयव के पहले, जैसे यहां पर देखो मैंने आपको बोला था कि यहां पर जब क्या करिएगा, प्लस लिखिएगा, यहां पर वाला प्लस लेना, माइनस लेना, उसके बाद आपका प्लस लेना, ये क्या प्रोसेस है, सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पता है क्या, किसी अवयव के पहले, किसी भी अवयव के पहले जो हम यहां पर प्लस लिख रहे थे और माइनस लिख रहे थे, इसके देने का नियम क्या है, नियम छोटा सा है, इसी में आपको मैं खत्म कर देता हूं। देखो यहां पर जो पेज आप देख रहे हो, तो जिस रो या जिस कॉलम में है, जिस रो या जिस कॉलम में, जैसे अगर मैं बात करूं A11 तो पेज ये पहला रो पहला कॉलम है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 1+1 तो कितना हो गया 2। तो अगर योगफल आपका पेज सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, तो उसको प्लस में रखना है, ठीक है। और जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो A12 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा नीचे वाला रो और कॉलम को तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये पेज आपका विषम है ना, तो अगर आपका सम आएगा तो प्लस लगाना है, विषम आएगा तो आपका माइनस लगाना है, ठीक है, इसीलिए यहां पर मैंने बोला आपको माइनस लगा लेना है। अब आपको डाउट जा रहा होगा कि यहां पर क्या लगाएंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस, मतलब 6 आएगा, तो 6 यानी सम है, यहां पर आपका पैर जो प्लस लग जाएगा, एकदम आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्या लगेगा, तो 3 × 5 हो गया, यहां पर आपका माइनस लगेगा, सम आए तो प्लस, विषम आए तो माइनस, एकदम सिंपल, ठीक। चलिए ये भी प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है, किसी अवयव के पहले प्लस और माइनस चिन्ह देने का नियम क्या है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम पेज पढ़ते हैं कि उपसारणिक एवं सहखंड, उपसारणिक को क्या बोलते हैं, उपसारणिक को प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग माइनर्स, एंड सहखंडन, सहखंडन है ना, हाँ बिल्कुल सहखंडन, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, को फैक्टर। एक हम लोग आगे देखेंगे सहखंडज, जो कि दूसरा है, ठीक है, तो इसको समझते हैं, उसके बाद वो वाला समझ में आएगा। सपोज करिए कि ए पेयर जो हमारे पास कोई मैट्रिक है, इसके एलिमेंट लिखे हो ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब यहां पर पेयर जो आपका उपसारणिक और जो आपका सहखंड होगा ना, ये होगा किसी अवयव का, क्या होगा, किसी अवयव का होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो मैं पूछ सकता हूं कि A1 का पेयर जो उपसारणिक कितना होगा, उपसारणिक क्या होगा, ठीक है, या फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि A1 का प्यारे बच्चों सहखंडन कितना होगा, A1 का सहखंडन कितना होगा, ये दो क्वेश्चन आपसे बनता, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात इसको सीखते हैं, उसके बाद अपने आप बन जाएगा, समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए इसको सीखते हैं, तो पहली बात हम लोग सीखते हैं उपसारणिक किसे कहेंगे, क्या सीखते हैं, उपसारणिक किसे कहेंगे। तो कह रहा है कि किसी भी अवयव का जो उपसारणिक होगा, वो देखिएगा जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि उपसारणिक किसे कहेंगे, कह रहा है कि कोई भी अवयव जिस रो यानी कि पंक्ति या फिर कॉलम में है, यानी कि पे जो स्तंभ, इसका मतलब क्या होता है, स्तंभ। तो कह रहा है कि कोई भी अवयव जिस रो या फिर जिस कॉलम में है, उसे हटाने के बाद प्राप्त जो सारणिक है ना, वही प्यारे बच्चों उस अवयव का माइनर कहलाता है। यानी कि समझिए यहां पर प्यारे बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने आपको पूछा था कि A1 का जो आपका उपसारणिक होगा वो क्या होगा, तो यही सवाल मेरा भी है। तो यहां पर से देखो, A1 का जो आपका उपसारणिक होगा वो पता है क्या होगा, कह रहा है कि अगर आप A1 का उपसारणिक निकालना चाहते हैं, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में, तो ये तो आपका ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में, इसको हटा दीजिए, तो हटा दिए तो क्या बचेगा, ये चारों बचेगा, तो ये जो बचा यही आपका क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा, किसका, A1 का, यानी जिस एलिमेंट का पोएर में जो आपको बोलेगा उपसारणिक निकालने के लिए, वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। तो A1 का पूछा था, तो ये आपका जो है पहला कॉलम में, पहला रो में, इसको हमने हटा दिया, तो बचा B1, B3, C2, C3। तो यहां पर देखिए वही हमने लिखा भी है, A1 का माइनर, ठीक है, क्या बचा था, B2, B3, देखो B2, B3, C2, C3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको आता ही है, B2 में से C3 गुना करो और C2 में से B3 गुना करो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या उपसारणिक भी आपका एक संख्या है, हाँ बिल्कुल संख्या ही है, क्योंकि उपसारणिक पेयर से ये आपका देखो बीच में क्या आ रहा है, आपका सारणिक आ रहा है, और सारणिक मतलब संख्या ही होता है ना, तो ये भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका संख्या ही आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A2 का माइनर क्या होगा, तो A2 यहां पर देखो, देख लो कौन सा रो में है, A2 कहां पे, देखो जरा ध्यान से, A2 की मैं बात करूं तो ये वाला आपका रहा सेकेंड वाला रो, और ये आपका पहला वाला कॉलम है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो बचेगा B1 C1 B3 C3 B1 C1 B3 C3
देखो B1 C1 B3 C3 यही होगा ना, और इसको सॉल्व करने के लिए आता होगा B1 में से क्या करेंगे C3 को गुना, तो B1 में से C3 गुना B3 में से C1 को गुना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है उपसारणिक को समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन देकर के समझाऊं, जैसे मान के चलो कि A बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद आपका 9। अगर मैं इसमें प्यार आपसे पूछ दूं कि वन का प्यार जो उपसारणिक कितना होगा, वन का आपका उपसारणिक कितना होगा, बिल्कुल हलवा है, देखिएगा जरा ध्यान से। वन का पूछा जा रहा है ना, किसका पूछा जा रहा है, वन का, तो वन जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 5 6 5 6 8 9 बचेगा, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 5 कितना आ गया 45 माइनस छोटी आपका 48, और घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ये लीजिए, बिल्कुल हलवा है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि किसी अवयव का सहखंडज क्या निकालना है, किसी अवयव का प्यार सहखंडज निकालना है। सहखंडज बिल्कुल आसान है, अच्छा ये तो हम पढ़ ही लिए ना, एक मिनट रुको, कहां गया उपसारणिक और सहखंडज, ऐसा सहखंडज अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ओके। चलिए सहखंडन देखते, बहुत आसान है, ठीक है, ये भी बेचो आपका बहुत आसान है। तो जैसे अगर आपको माइनर निकालने के लिए आ गया, उपसारणिक निकालने के लिए आ गया, तो इसमें बस एक छोटा सा चीज करोगे तो ये भी आपका निकल जाएगा, ठीक है, ओके। क्या करना है, तो कह रहे कि किसी अवयव का चिन्ह के साथ, किसी अवयव का चिन्ह के साथ उपसारणिक जो है वो सहखंड कहलाता है, ठीक है, यानी कि जो भी हम उपसारणिक निकाल रहे थे उसमें प्लस माइनस तो नहीं लिख रहे थे। जैसे यहां पर देखो A1, तो A1 यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका पहला स्थान पर है, तो ये तो आपका पॉजिटिव होगा, तो अगर मैं यहां पर जो पॉजिटिव लगा देता हूं, ठीक है, तो अब ये A1 का माइनर नहीं कहलाएगा बल्कि पता है क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 तो प्यार है, तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर आपका दूसरा नंबर पे, तो इसके आगे माइनस जाएगा, तो अगर मैं यहां पर आपका माइनस लगा दूं, ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट माइनस गुना हो जाएगा इसमें, तब आपका आंसर सही होगा। तो ये जो आपका माइनस नहीं कहलाएगा बल्कि आपका क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। तो देखिए क्योंकि उसने बोला कि किसी अवयव का चिन्ह के साथ उपसारणिक अगर लोगे तो सहखंड कहलाएगा। तो देखो A1 का सहखंड क्या होगा, ये आपका प्लस के साथ आया था, A2 का सहखंड क्या होगा, ये आपका माइनस के साथ आएगा, क्योंकि A2 का स्थान आप खुद ही देख लो, A2 आपका दूसरे नंबर पर, A1 आपका पहले नंबर पर, एकदम आसान है। सारणिक पे जो चैप्टर ही आपका बहुत ज्यादा आसान है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग समझते हैं जो सारणिक के गुण, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नहीं समझोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बुक वाला, तो इसीलिए इसको आपको एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से सुनते चलना है, ठीक है। मैं आपको 9 से 10 प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं डिटरमिनेंट का, जो बहुत ज्यादा मदद आपको जो देगा, ठीक है। तो अभी तक अरे सारणिक के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए तो फटाफट से, कह रहे कि किसी भी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों को बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैंने पे जो आपके एक एग्जांपल लिख दिया है, एग्जांपल में मैंने जहां पर आपका लिखा है एक सारणिक, ठीक है, 1 2, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दिया 3 4, तो यह पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी सारणिक के पंक्तियों को अगर आप संगत स्तंभ में बदल देते हो, अगर आप पंक्ति को किस में बदल देते हो, स्तंभ में, जैसे देखिए ये हमारा पे जो आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि पंक्ति को चेंज कर रहा हूं, पंक्ति है ना, तो पंक्ति को मैं चेंज कर रहा हूं स्तंभ में। देखना जरा ध्यान से, पहली बात है इसका मैं वैल्यू निकाल करके दिखा देता हूं, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 में से 1 गुना करेंगे और माइनस करेंगे कितना, 2 में से 3 गुना करके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 * 4 - 3 * 6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 2 हो जाएगा। आप देखिएगा जरा ध्यान से, आगे पे जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो आपका R1 है ना और ये जो आपका R2 है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं कॉलम से, यानी कि R1 को मैं लिख रहा हूं पहला नंबर कॉलम पे, ठीक है, ओके। तो फिर मैं लिखता हूं, देखो ये आपका 1 3 है, तो 1 3 को मैंने ऐसे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, और 2 4 को मैं इस तरीके से खड़ा करके लिख देता हूं, 2 और 4, यानी कि मैंने पता क्या किया, मैंने फिर जो रो और कॉलम को चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू देखते हैं तो निकाल करके, तो इसका अगर आप वैल्यू देखोगे, इसका वैल्यू अगर आप देखोगे निकाल करके, तो देखो 4 में से 1 गुना करेंगे, गुड, 3 में से 2 गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 4 में से 4 हो गया, 3 * 2 = 6, ये भी आपका आंसर कितना आया, -2, यहाँ पे भी तो आपका -2 ही है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया है,
कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, यानी कि सारणी के पंक्ति को संगत स्तंभ से हम क्या किए हैं, बदल दिए हैं। तो बदलने पर क्या सारणी का जो मान है वो आपका बदल रहा है? बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। तो इसीलिए वो आपका पहला प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि किसी भी सारणी के पंक्तियों को संगत अगर स्तंभ को बदल दिया जाए तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला पैराग्राफ बच्चों कह रहा है कि किसी भी सारणी का मान शून्य होगा कब, यदि इसका कोई दो पंक्ति या स्तंभ क्या हो, समान हो। दो पंक्ति या फिर स्तंभ क्या हो, समान। जैसे मैंने पहले यहां पर आपका जो एक सारणी लिखा, ठीक है, और सपोज करिए कि मैंने लिख दिया 1 2 3 और 5 6 7 ये डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखो। इसमें पैर जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका R1 और R2 ये दो पैच जो आपका रो है वो आपका समान है। तो अगर किसी भी सारणी में दो रो अगर आपका समान हो या तो दो स्तंभ भी अगर आपका समान हो तो उस सारणी का मान कितना होगा, जीरो होगा। इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ समान हो तो वैल्यू कितना आएगा, जीरो। चलिए आइए सोल्व करके देख भी लेते हैं फटाफट से। देखिए फिर जो सोल्व मान के चलो हम यहां पर R1 के थ्रू कर रहे हैं तो एक हो जाएगा, एक बचेगा आपका ये चारो, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो छोटिया 18 हो जाएगा और माइनस 7 दुनिया आपका 14 हो जाएगा। यहां तक तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल। चलिए इसको मिटाते हैं, गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे पे जब हमें क्या लेना है, आगे लेना है -2, तो -2 लोगों तो क्या बचेगा, ये आपका हटेगा तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 15 और 7 1 7 हो जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी के यहां पर मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूं तो 3 लोगों तो ये हटेगा तो बचेगा 5 6 2 1, तो 5 2 10 में से 6 घटेगा, 10 में से आपका 6 घटेगा, ठीक है, देख लीजिए कितना आता है आंसर, 0 आना चाहिए। 18 में से 4 गया, 14 गया तो आपका 4, माइनस 15 में से 7 गया तो 8 7 15 और 8 2 आपका 16, यहाँ पर माइनस 16 हो जाएगा, और 10 में से 6 गया तो कितना, 4, 4 थी आपका कितना जगह 12, और 12 4 16 16 में से आपका 16 घटेगा तो कितना जगह 0। तो मैंने बोला था ना कि आपका 0 आएगा क्योंकि इस सारणी के दो आपका जो रो है वो आपका क्या है, समान है। दो अगर पंक्ति भी समान रहता ना तब भी इसका वैल्यू कितना आता, आपका 0 ही आता, ठीक है। चलिए आगे प्यारे बच्चों आपका क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है यदि किसी सारणी के किसी खास रो या कॉलम में, कह रहा है पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि अगर किसी सारणी के किसी खास रो या कॉलम में किसी संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। मतलब समझिए कि ये अगर हमारे पास कोई सारणी है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, ठीक, और अगर मैं इस सारणी के जैसे कि R1, तो अगर मैं R1 से 2 गुना कर देता हूं, ठीक है, 2 गुना R1 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, मैं 2 से गुना करता हूं तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर आपका 2 2 4 हो जाएगा, और 3 गुना कर दिया और ये आपका 4 गुना कर दिया, ठीक है। अब देखो खुद ही देख लो फटाफट से, इसका वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालूंगा तो 4 1 4 और माइनस 3 2 आपका 6, तो बराबर कितना आया, -2 आया, ठीक है। इसका वैल्यू भी निकाल करके देख लो, इसका वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, माइनस 4 3 आपका 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का देखो कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना ही ना, -2 का 2 गुना -4 हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर जो एक चीज आप सोच सकते हो कि अगर किसी सारणी के किसी एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में कोई भी नंबर गुना करते हैं ना तो पूरे सारणी का वो उतना गुना हो जाता है। अगर मैं 5 गुना कर देता है ना इस रो में तो ये पूरे आपका सारणी का जो 5 गुना हो जाता, ठीक है। चलिए कर प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या या व्यंजक से गुना करके उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि पहले तो हमारे पास एक कोई सारणी है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसे आपका 9, ठीक है। हालांकि ये वाला जो आपका मैट्रिक्स में भी बताया था, अभी में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, जैसे मान के चलो कि मैंने R1 के जगह पे मैं कुछ छेड़ना चाहता हूं, ठीक है, ये जो आपका R1 है ना, मैं चाहता हूं कि R3 में से, ये आपका R3 है, ठीक है, ये आपका R1 है, तो मैं चाहता हूं ये आपका R2 है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि R3 में से पहले जो 2 गुना करके R1 में से कुछ घटा लो या तो जोड़ लो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मान करके चलिए कि मैं R3 में से पहले तो मैं R1 में जोड़ना चाहता हूं, R1 में कितना जोड़ रहा हूं, तो R1 में R3 को मैं जोड़ रहा हूं,
मतलब समझिए कितना गुना कर रहे हैं R3 में, एक गुना कर रहे हैं, या तो हम पहले यू कह सकते हैं, ये काम करते हैं R3 में से दो गुना कर लेते हैं, R3 में से दो गुना कर लेते हैं और ये इसको हम R1 के साथ जोड़ देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस केसेस में प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, जो आपका मैट्रिक्स तैयार होगा वो आपका क्या होगा, R1 में हम चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, तो R2 जो है ना, R2 नहीं R3 करना चाहिए था, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो R3 में हम पहले दो से गुना करेंगे, तो इसमें दो से गुना करेंगे तो 7 दुनिया आपका कितना हो गया, 14 हो गया, और एक जोड़ दीजिए तो आपका 15, क्योंकि R1 भी जोड़ना है ना। ये देखो जरा ध्यान से, R3 में दो गुना करोगे और R1 को जोड़ोगे, अब यहाँ पर 8 का दोगुना कितना हो जाएगा 16, और 16 दो कितना जाएगा, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, 9 का दोगुना कितना जाएगा 18, 18 तीन कितना 21 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी के पे कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे लिख दो, तो 4 5 6 4 5 6, यहाँ पर 7 8 9 7 8 9, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं फिर, तो नेक्स्ट देखिएगा आपको फटाफट, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे ए मान के लिए हमारे पास कोई बच्चों सारणिक है 1 2 3, यहां पर देखो जरा ध्यान से 2 4 6 3 2 3, इस सारणिक में देख रहे हो पहला वाला जो आपका पंक्ति है ना वो आपका 0 के इक्वल है, तो इसका जो पेयर वैल्यू आएगा वो कितना के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ये भी बिल्कुल एकदम सिंपल है, ठीक है। यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियां या दो स्तंभ समानुपाती हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। अगर दो पंक्ति या तो दो स्तंभ अगर समानुपाती हो, समानुपाती का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने 2 4 6 लिख दिया, 5 7 8 लिख दिया, ये आपका 5 है, ठीक है, ये आपका कितना है 5, और यहां पर मैं लिख दिया 4 8, उसके बाद आपका मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। तो पहले तो आप R1 और R2 को, R1 को और R3 को जरा ध्यान से देखिए, आपका समानुपाती है, इसका दुगुना है आपका R3 में, इसका क्या है दुगुना है आपका R3 में, ठीक है। तो इसका जो फिर आपका वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा, वो आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, करे यदि किसी सारणिक के किसी स्तंभ, प्यारे बच्चों कह रहे कि यदि किसी सारणिक के किसी स्तंभ या फिर पंक्ति का प्रत्येक अवयव जो है ये दो या तो दो से अधिक राशियों का योगफल है, जैसे कि देखिए यहां पर जो हमारा 3 बाई 3 ऑर्डर का जो सारणिक है, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट है ये दो का सम है, ये भी दो का सम है, ये भी दो का सम है, ठीक है। तो कह रहे कि अगर राशियों का योग है तो उन सारणिकों को दो सारणिक से योग के रूप में लिख सकते हैं, यानी सारणिक को ये जो आप देख रहे हो इसको हम दो सारणिक में ब्रेक कर सकते हैं। पहला में हम लिखेंगे ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और उसके बाद इधर का सारा एलिमेंट आएगा, यानी दिस, ठीक है, ये देखो। उसके बाद अगला वाला जब हम सारणिक तैयार करेंगे तो उसमें ये वाला एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और उसके बाद बाकी के ये दोनों आएगा, ठीक है। मतलब ये जो आपका सारणिक है ना, यहां पर जो अवयव है दो दो का सम है, इसको ऐसे आप प्लस ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे फिर तो देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, आपका कर प्रॉपर्टी नंबर आपका 8 करे कि यदि n कोटि का विकर्ण आवयव है तो इसके सारणिक का मान विकर्णों के गुणनफल के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो विकर्ण पे जो आपका जो है अवयव किसे कहते हैं, विकर्ण अवयव में क्या होता है कि विकर्ण यानी डायगोनल पे जब आपका एलिमेंट होता है उसको छोड़ करके बाकी के एलिमेंट आपका 0 होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई अगर आपका पे जो आपके पास विकर्ण है, ऐसा कोई अगर आपके पास जो विकर्ण अवयव है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली आप क्या करोगे सॉल्व भी कर सकते हो, तो 3 2 6 यानी 2 × 3 माइनस में आपका 0 × 0 कितना आ गया 6 आ गया। इससे बढ़िया डायरेक्ट आप पता क्या करो कि सिर्फ और सिर्फ विकर्ण को गुना करो, ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो जो भी यहां पर आपको विकर्ण में दिख रहा है ना उसको सिर्फ डायरेक्ट गुना करिए, तो 2 × 3 दैट इज 6, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक आपको दूसरा एग्जाम्पल करवाऊं कि ए हमारे पास पता है कितना है 1 0 0 मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं 1 0 0 0 5 0 0 0 8, इसका पिछले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, जो आपका एलिमेंट में दिख रहा है ना सबको गुना कर दीजिए, 1 × 5 × 8 टोटल कितना आ जाएगा 40, इसका वैल्यू फिर आपका 40 आने वाला, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। चलिए आगे आपका कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 9, इसको तो आप ध्यान में ही रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि अवयव a बराबर इतना है तथा k कोई अधीश है, के आपका कोई अधीश है मतलब कोई नंबर है, ये फिर जो कह रहा है कि अगर मान के चलो कि ए अवयव में के को मैं गुना कर दूं उसके बाद मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो ये इक्वल होगा के का पावर एन, एन क्या है तो नंबर ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लो,
के इंटू ए का डिटर्मिनाट क्या होगा, तो के पावर एन इंटू डिटर्मिनाट ऑफ ए होगा, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में एकदम कर रखिएगा। चलिए करें कि यदि ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, तो अगर मैं ए बी को गुना करके डिटरमिनेंट निकाल लूं तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगा ए का डिटरमिनेंट इनटू बी के डिटरमिनेंट के गुणनफल के बराबर, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों आ जाते हैं सारणिकों के अनुप्रयोग पे। सारणी का प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सारणिकों का पैर जो हम लोग देखते हैं अनुप्रयोग, कि सारणी का आखिरकार में उपयोग कहां कहां पर है, ठीक है, करें सारणिकों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो पहला पैर जो इसका उपयोग होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, जैसा कि हम लोग निर्देशांक में भी प्यारे जो पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 ऐसा करके निकालते हैं ना, तो वही फॉर्मूला हम सारणिक की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि त्रिभुज के शीर्ष आपका ए का नियामक है x1/1, बी का नियामक x2/2, सी का नियामक x3/3, ठीक है, तो एरिया ऑफ जो आपका ट्रायंगल एबीसी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका एबीसी होगा, इसको पे हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका पता है कौन सा फॉर्मूला आएगा, आपका आएगा फॉर्मूला 1/2 x1 और बाई 2 माइनस आपका बाई 3 आएगा और प्लस x2, उसके बाद आपका बाई 3 माइनस आपका बाई 1 आएगा, उसके बाद आपका x3 बाई 1 माइनस आपका बाई 2 आएगा, ठीक है, यही वाला आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। लेकिन इतना का मापांक लेना है, मापांक मतलब समझते हो ना, मॉडुलस, यानी कि अगर आपका निगेटिव में भी इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि निगेटिव भी आपका हो सकता है डिटरमिनेंट का वैल्यू, लेकिन उसको पॉजिटिव बना देना, क्या बना देना है, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पे जो आपका फॉर्मूला है डिटरमिनेंट के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, इसको एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये नहीं आपको ध्यान में रहेगा बिल्कुल आपका जो है क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगर का तीन बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा, ऐसे अरेंज कर दीजिए x1/1, x2/2, x3/3, इधर वाला हम तो आपको 1 ही रखना है, x1/1, x2/2, x3/3, ठीक है, यहां पर गलत है, x3 होगा, ठीक। एक और पैर जो सारणी का अनुप्रयोग है किसमें, तीन बिंदुओं को संरेख होने में, ठीक है, तो ये तो आपका वही चीजें हैं, तीन बिंदु संरेख होगी, कब, तो आपको भी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कब हो जाए, क्या कितना हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे जब आपका जीरो हो जाए, ठीक है, तो यही तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने जीरो के इक्वल रख दिया, तो यहां पर आप क्या करोगे, अगर आपके पास तीन पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1/1, x2/2 और x3/3, तो सबको क्या करोगे, ए डिटरमिनेंट में रख करके सबके बराबर क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अब प्यारे जो हम आगे बढ़ जाते हैं, करें वर्ग आव्यूह के संखंडज तथा प्रतिलोम। अभी हम लोगों ने पे जो क्या देखा था, सहखंड देखा था, क्या देखा था, उपसारणिक और सहखंड देखा था, ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखने वाले सहखंडज, क्या देखने वाले, सहखंडज यहां पर होगा, सहखंडज तथा प्रतिलोम, ये प्यारे जो हम देखने वाले, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला, तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले बात हम समझते हैं कि वर्ग आव्यूह का सहखंडज आपका क्या है, ठीक है, एडजॉइंट इसको बोलते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक, ओके। तो देखिए कह रहा है कि यदि हमारे पास ए आई जी एक वर्ग आव्यूह है तथा बी जो हमारा ए का सहखंडज मैट्रिक्स है, ए हमारा क्या है, इसका जो सहखंडज सहखंड होना चाहिए था मैट्रिक्स है, तो बी इनवर्स ही ए का आपका सहखंड कहलाता है, ये तो गलत लिखा गया है, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से, वर्ग आव्यूह के सहखंडज क्या क्या है, मैं सुधार आपको करवा देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। चलिए देखिए कह रहा है कि वर्ग आव्यूह के सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक, ए हमारे पास कोई मैट्रिक है, एक वर्ग आव्यूह है तथा बी बराबर कह रहा है कि ए आई जे है और ए का सहखंडज कहलाएगा, यानी कि बी एक ऐसा मैट्रिक है जो कि ए का पैर जब का सहखंडज कहलाएगा, कब कहलाएगा, तो B इनवर्स ही आपका A का सहखंड कहलाएगा, मुझे लग रहा है ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, दीजिएगा तो जरा वहां पर से कॉपी, इसको अभी मैं सुधरवाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका है ये गलत लिखा गया, वहां वाला कॉपी लेफ्ट वाला, तो इसको मैं अभी आपको सुधरवाता हूं, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपका गलत लिखा गया, ठीक है, तो एक मिनट बस रुक जाइए आप लोग, हम इसको आपको चेक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका लिखा हुआ ये आपका गलत लिखा गया है, होता है कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके सुधारने के लिए मैं हूँ, ठीक। तो क्या हम लोग देख रहे थे, वर्ग आव्यूह के सहखंडज तथा प्रतिलोम, कहां गया, बिल्कुल, यदि ए आई जे एक वर्ग आव्यूह है तथा बी ए आई जे का सहखंडज है, तो बी इनवर्स ही यहां पर आपका इनवर्स होना चाहिए था, ठीक है,
बी का ट्रांसपोज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बी का ट्रांसपोज, इसको हटाया जाए, बी का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का सखंडज कहलाता है, बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से सही है, सखंड, और हाँ चलिए यहां पर आपका हो जाएगा सखंडज, यहां पर क्या हो जाएगा सखंडज, तो कह रहा है कि वर्ग आवयु के सखंडज कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जरा ध्यान से, करा मान के चलिए कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, एक क्या है आपका कोई वर्ग आवयु है, और बी जो है आपका ए का सखंडज, उपसारणिक अभी मैंने आपको बताया था ना, उपसारणिक और सखंडज, ठीक है, बिल्कुल साइन के साथ आप लिखिएगा, तो कह रहा है कि जो आपका बी अगर मैं ट्रांसपोज कर दू, बी का मैं ट्रांसपोज कर दू, ठीक है, ये जो बी मैट्रिक आप तैयार कर रहे हो सखंड वाला, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दू तो यही क्या कहलाएगा, ए का पेयर जो आपका सखंडज कहलाएगा, ठीक है, जैसे अभी हो सकता है डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमारे पास ए पेयर जो कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट दिए हुए a1 a1 2 इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए पेयर, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं सखंडज एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहली बात पता है क्या निकालेंगे, हम लोग सबसे पहली बात क्या निकालेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक गिवन है इसका जो सहखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, ठीक है, और सहखंड कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, साइन विथ माइनर दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर, यानी कि साइन के साथ आपको जो क्या निकालना है, आपका जो माइनर निकालना है, ठीक है, तो ये जो A11 है ना, तो ये A11 क्या है, इसका प्यार है बच्चों आपका क्या है, आपका सहखंड है, और ये आपका A12 का सहखंड आपका क्या है, A12 है, कैपिटल में हमने लिख दिया है, ठीक है, कैपिटल में ही आपका लिखाता है, अगर मैं आपको बताऊं माइनर, जिसको आप लोग बच्चों उपसारणिक बोलते हैं, ठीक है, तो उपसारणिक को हम लोग पता है कैसे सूचित करते हैं, M11 से सूचित करते हैं, और या MIJ भी कह सकते हो, MIJ भी कह सकते हो, और सहखंड को कैसे सूचित करते हैं, तो सहखंड को प्यारे बच्चों आपका जो AIJ से सूचित किया जाता है, ठीक है, तो अगर मैं इसका सहखंड बोलूंगा तो A लिखोगे, और यहां पर 11 है तो 11 लिखोगे, इसका सहखंड क्या होगा, कैपिटल A होगा, अगर मैं देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं सहखंड, उपसारणिक आपका क्या होता है, साइन इसमें नहीं लगता है, लेकिन इसमें आपका साइन के साथ आपका जब आता है माइनर, ये आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइनर, तो अगर उपसारणिक को साइन के साथ लिख देते तो आपका सखंड कहलाता है, ठीक है, तो अगर किसी भी अवयव का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट निकालना है, तो जो भी आपका पेच यहां पर आपका आवयु रहेगा, इसका सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर जो है सखंडज वाला एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया सखंडज वाला, अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त, आप लोगों ने पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाला चैप्टर में, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यही आपका एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलिए अब यहां पर फिर जब आपका इसका कुछ फॉर्मूला है, तो आइए सबसे पहली बात मैं आपको क्वेश्चन ही करवा देता हूं, ठीक है, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लीजिए एग्जांपल, देखो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, मान के चलिए कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक है, और यहां पर मैंने लिख दिया 2 3 5 और उसके बाद मैंने लिख दिया 6, ठीक है, अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए मैट्रिक निकालना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सहखंडज, सहखंडज और एक सहखंड होता है, ठीक है, गुड, सहखंडज को पहले एडजॉइंट बोलते हैं, और एक आपका होता है सहखंड, सहखंड इसको पहले उपसारणिक बोलते हैं, ठीक है, उप, सॉरी एक मिनट रुको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर भूलना नहीं, ठीक है, बिल्कुल, अब देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मुझे एक मैट्रिक्स तैयार करना है बी, तो बी क्या होना चाहिए, यहां पर जितने भी सारे एलिमेंट दिख रहे हैं ना, तो यहां पर फिर उसका जो है सहखंड आपको तैयार करना है, ठीक है, तो मैं यहां पर एकदम आराम आराम से लिख दूंगा, माना कि बी एक आवयु है, बी एक आवयु है, आवयु है जो ए का क्या है, ए का पेयर जो सहखंड है, ए का क्या है, सहखंड है, तो देखिए तो बी आपका पैर बच्चों क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा जरा ध्यान से, तो साइन के साथ आपका माइनर जो होता है वही आपका सहखंड कहलाता है, तो दो का पैर बच्चों अगर मैं सहखंड निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, इसमें आपका है तो ये बचेगा कितना 6, तो यहां पर आपका 6 आएगा, ठीक है, उसके बाद 5 का मैं निकालूंगा क्या, तो 5 का मैं पैर जो निकालना चाह रहा हूं, यहां तो नहीं लिखना, 5 का मैं निकालना चाह रहा हूं आपका जो सहखंड, तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, तो ये देखिए आपका इस रो में है और इस आपका कॉलम में है, ठीक है, ओके, लेकिन इसको जरा ध्यान से देखिए आपका पैर बच्चों, इसका पोजिशन क्या, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये आपका जोड़ करके 3 आएगा ना, तो सम की विषम, तो ये आपका विषम आएगा, इसके आगे माइनस लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है,
गुड। तो प्यारे बच्चों, अब करना क्या है, इस ये जिस रो और जिस कॉलम में है तो बचेगा कितना आपका, थ्री बचेगा। तो यहां पर से आपको लिख देना है थ्री, इसका साइन विथ माइनर दैट इज गॉट कोफैक्टर, ठीक है। यानी कि माइनर जो होता है आपका वो क्या होता है, सिर्फ जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए वो आपका माइनर कहलाता है, लेकिन वो उसका अगर हम पैचो साइन भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका कोफैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसका साइन आपका क्या है, थ्री आएगा जोड़ने के बाद, तो इसका साइन तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको हटाइए तो बचेगा तीन, लेकिन माइनस तीन हो जाएगा। पूछिए क्यों, माइनस तीन इसीलिए होगा क्योंकि फिर जो इसका कोफैक्टर माइनस तीन आएगा क्योंकि साइन के साथ माइनस लगेगा, ठीक। और अगर मैं बात करूं इसका, तो इसमें भी आपका माइनस लगेगा, तो इसको हटाएंगे तो आपका माइनस फाइव बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं छः को, अगर मैं यहाँ पर छः का अगर मैं शाखंड निकालता हूँ, इसको ढकूंगा इसके ढकूंगा, आपका दो बचेगा, ठीक है। अब देखो ये बी हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो गया, लेकिन मुझे तो चाहिए था एडजॉइंट चाहिए था ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होगा, जो आपने शाखंड निकालना है ना उसका परिवर्तन, यानी कि बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज कैसे करिएगा, रो को लिखिए कॉलम में, कॉलम को लिखिए रो में, यानी कि 6 माइनस 3 नीचे हो जाएगा, माइनस 5 ऊपर, 2 आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, एकदम पैचो ईजी है, ठीक है। क्योंकि मैंने पीछे आपको क्या बोला था, देखो पीछे ही मैंने बोला था कि अगर ए का पैचो अगर आपको शाखंड निकालना है तो क्या करना है, देखो बी आपका ए का शाखंड कहलाएगा, ठीक है। ए का करा कि बी ए का शाखंड मैट्रिक्स है, यानी कि यहां पर सबसे पहले तो शाखंड जो आपका लिख देंगे, शाखंड वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, और इसका क्या करेंगे, ए का जो है मतलब ए का शाखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। बी का ट्रांसपोज कर दिया ना, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसका हमने शाखंड तैयार किया और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। इसका परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा, शाखंड कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आप यह कह रहे कि यदि कोटि का वर्ग आव्यूह है, यदि एन कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए एन कोटि का वर्ग आव्यूह, ठीक है, यदि एन ए जो है एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो a into adjoint of a, यानी a मैट्रिक्स में अगर adjoint a अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये इक्वल पता है किसका होगा, adjoint a into a के ही इक्वल हो जाएगा। यानी कि देखो ये उल्टा पुल्टा अगर गुना करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बात पता होगा कि मैट्रिक्स में जो गुना होता है वो मायने रखता है, आपका आगे पीछे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर adjoint के साथ अगर मैट्रिक्स a गुना करते हैं या फिर ए के साथ अगर हम एडजॉइंट ए गुना करते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, और ये किसके इक्वल आता है, ये ए के ही इक्वल आ जाता, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ ही साथ आगे कह रहा है कि यदि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कोई जीरो नहीं है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं है, तो अगर एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, तो डिटरमिनेंट ए के पावर एन माइनस वन के बराबर होगा। ये भी पेज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ट्वेल्थ क्लास के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस के लिए, तो अगर इसको याद करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको तो आप याद कर लेना, ठीक। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पर, किस पर, व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पर, ठीक है। व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, और इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय को नॉन सिंगुलर। तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला, ठीक है। देखिए करें कि यदि एक कोई आव्यूह है, यदि क्या एक कोई आव्यूह है, अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जो आपका जीरो के बराबर नहीं है तो ए व्युत्क्रमणीय होगा, इसको इन्वर्टेबल भी बोलते हैं। अगर हमने डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो ए क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। और अगर ए का वैल्यू जीरो के इक्वल आ गया तो आपका क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय। अब देखो जो मैट्रिक्स आपका व्युत्क्रमणीय होगा उसी का इन्वर्स भी निकलेगा, यानी इन्वर्स निकलने के लिए बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बराबर जीरो आ गया तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी कि आपका मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, तो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, तो आपको समझ में आ गया कि जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका जीरो के बराबर नहीं है वो व्युत्क्रमणीय होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर आपका जीरो है तो अव्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि किसी वर्ग का आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए जो है एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तो बी ए का प्रतिलोम कहलाता है। यदि ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। मान के चलो कह रहा है कि ए एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, मान के लिए ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपका एन है, ठीक है। तो ए का पैच हम प्रतिलोम निकालना चाहते हैं, तो कह रहे कि अगर आप ए का प्रतिलोम निकालना चाहते हो तो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लेकर के आओ कि अगर मैं ए के साथ बी को गुना कर दूं और फिर मैं बी के साथ अगर मैं ए को गुना कर दूं तो वो आई ही आ जाए,
वो क्या आ जाए, आई ही आ जाए। तो यही जो आपका बी है ना, यही जो आपका बी है, ठीक है, यही जो आपका बी है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, था ए का इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्स आपका कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि मैं ए में गुणा कर रहा हूं, ठीक है, तो कितना मिल रहा है आपका, I मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आपका जो है यूनिट मैट्रिक्स या फिर एकांक का भी कह सकते हैं, तभी आपका B क्या कहलाएगा, A का प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है, B जो है वो क्या कहलाता है, A का प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, तो आगे देखते हैं प्रतिलोम निकालने का सूत्र। प्रतिलोम निकालने का सूत्र हम कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो a इंटू एडजॉइंट a, a इंटू एडजॉइंट a, तो यहां से मैं लिख देता हूं a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है, बराबर कितना है, तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा सुधार के लिखूंगा, कहां गया, हाँ इसको लिखने कहां गया, अब देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, ये देखो अगर मैं a में से एडजॉइंट a में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट a और इनटू a के इक्वल होगा, ठीक है, एडजॉइंट a इनटू a के इक्वल होता है, लेकिन ये फिर जो एडजॉइंट a इनटू a किसके इक्वल होता है, a के इक्वल ही होता है, ठीक है, a और अगर मैं i भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, a इंटू अगर मैं i लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि a इंटू i बराबर क्या होता है, a ही होता है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे में ए इनवर्स से मैं भाग दे रहा हूं, ए इनवर्स से या फिर हमें डिटर्मिनेंट से भाग दो, तो मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट से भाग देना चाहिए, ठीक है, किसना से भाग देना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग देना चाहिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग देना चाहिए, और इसको मैं डिटर्मिनेंट अगर ए कर देता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट ए ही है, तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं पूरे समीकरण को डिटर्मिनेंट ए से भाग दे रहा हूं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए से भाग देने पर, डिटर्मिनेंट ए से भाग देने पर, ठीक है, मैं पूरे को भाग दूंगा डिटर्मिनेंट ए से, ठीक है, देखिएगा बिल्कुल जरा ध्यान से, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए से इसको मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, और भाग कितना से दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे रहा हूं, आगे देखिए पैरो चाहिए आपका हो जाएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ए इंटू ए, और भाग कितना से दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट ए से भाग दे रहा हूं, और बराबर ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो आपका कटेगा तो आई आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, आई, क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि यहां पर ए इंटू आई भी तो मैं लिख सकता हूं ना, आपका इतना ही आएगा, तो मैं यहां पर सिर्फ आई बचा रहा हूं, बाकी की मैं कैंसिल करवा रहा हूं, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर देखूं तो ए इंटू समथिंग, a इंटू समथिंग, इसको जरा ध्यान से देखना, a इंटू समथिंग, और ये देखो समथिंग इंटू a बराबर क्या मिल रहा है, i, मतलब ऐसे समझो यहां पर एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a इंटू b और b इंटू a बराबर आपका i, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, a इंटू अगर मैं इसको b बोल देता हूं तब तो आपको दिख रहा होगा, a इंटू b और ये b है, फिर से देखो तो b इंटू ए बराबर क्या मिला, i मिला, तो फिर से यहां पर जो b है वही तो आपका a का इनवर्स होगा ना, तो यहां से मैं लिख देता हूं अर्थात, अर्थात प्यारे बच्चों आप देख रहे हो यहां पर जो है एडजॉइंट, यहां पर रुको, एडजॉइंट, एडजॉइंट a, ठीक है, एडजॉइंट a और बटा में कितना डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये क्या होगा, a का प्रतिलोम है, a का क्या है, प्रतिलोम है, यानी कहने का मतलब a का प्रतिलोम है, तो इसको मैं a इनवर्स भी लिख सकता हूं, a इनवर्स बराबर व्हाट, तो एडजॉइंट a, एडजॉइंट a और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये फिर आपका फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया, मैं चाहता तो डायरेक्ट बोलता कि ये फॉर्मूला है लिख लो याद कर लो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या किया, निकाल के दिखा दिया, ठीक। चलिए अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूला है इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद आपका हो जाएगा कहानी खत्म, करें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करें कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो है व्युत्क्रमणीय में, अभी मैंने आपको क्या बताया व्युत्क्रमणीय उसी को बोलेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसमें एक फॉर्मूला यह है कि अगर ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है यानी इसका इन्वर्टिबल निकल सकता है
तो ए का इनवर्स और इसका भी अगर मैं इनवर्स करूंगा तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया ना, अगर मैं ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज करूं तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है, वही वाला आपका फॉर्मूला, ठीक है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी का अगर मैं यहां पर इनवर्स निकालता हूं तो बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के बराबर होगा। ये भी ट्रांसपोज में भी लगता है, बहुत ज्यादा आसान है। ट्रांसपोज में क्या था कि अगर ए बी का मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो बी का ट्रांसपोज इंटू आपका ए का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, बहुत आसान है। आगे देखिए, कह रहे कि यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं तो एडजॉइंट ए बी, अगर मान चलो दो आव्यूह हमारे पास है तो दोनों को गुना करके मैं एडजॉइंट निकालना चाहता हूं, इससे बढ़िया कि एडजॉइंट बी लिख दो उसके बाद एडजॉइंट ए लिख दो, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन आगे आप ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट बी लिखना पड़ेगा और उसके बाद एडजॉइंट ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो तो या फिर तो कह सकते कि अगर पहले आप ट्रांसपोज निकाल दो उसके बाद इसका एडजॉइंट निकाल लो, तब भी बात आपका सेम ही है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये आपका लास्ट टॉपिक पड़ गया है, इसको पहले हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए, ये आपका समीकरण निकाय का हल है, करें रैखिक समीकरण निकाय का हल यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारे पास कई सारे समीकरण रहते हैं लेकिन उन समीकरण को मैं डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूं। किसके थ्रू? डिटर्मिनेंट के थ्रू मैं आपको जो सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये देखिए आपका पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, ऐसा ही समीकरण रहेगा ना। लेकिन इन समीकरण को मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन समीकरणों के बच्चों यहां पर जो क्या बना रहा हूं, सारणिक बना रहा हूं, ठीक है। कैसे सारणिक बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, हमें यही वाला समीकरण चाहिए ना, तो देखो अगर मैं यहां पर ए कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं सिर्फ कोफिशिएंट का, a1 b1 c1 का, a2 b2 c2 का, a3 b2 a3 यहां पर मेरे ख्याल से b3 होना चाहिए और ये आपका c3 होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो कोफिशिएंट आप देख रहे हो, इसका मैंने एक मैट्रिक्स तैयार किया और यहां पर जो भी वेरिएबल है, तो क्या क्या वेरिएबल, x y z, इसका मैंने एक मैट्रिक्स तैयार किया x नाम से, ठीक है। और जो इधर आपका कोफिशियंट, इधर जो आपका नंबर है, इसका मैंने एक मैट्रिक्स तैयार किया, तीन मैट्रिक्स तैयार किया। अब इसको मैं ax इंटू b कर रहा हूं, ax इंटू b, यानी इतना में से इतना गुना करोगे बराबर, अगर आप b लिखोगे तो फिर से आपका यही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल। तो समीकरण निकाय को अगर हम चाहें तो सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे। पहली बात क्या करोगे, कोफिशियंट को आप एक मैट्रिक्स का नाम दोगे और यहां पर जो आपका चेयर है उसका एक नाम दोगे और बाकी के इधर जो आपका लिखा हुआ उसका एक नाम दोगे, ठीक है। अब इससे आपका आंसर कैसे निकालना है सॉल्व करके, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पहली बात तो कह रहे कि रैखिक समीकरण निकाय के प्रकार, ये जो रैखिक समीकरण निकाय, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है होमोजीनियस, दूसरा नॉन होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस किसको कहते हैं? यदि d1 d2 d3 बराबर 0 हो जाए, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर आपका 0 भी तो हो सकता है ना, तो अगर 0 रहेगा तो प्यारे इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बोलेंगे। और अगर 0 नहीं रहेगा, कोई भी अगर एक जो भी जो आपका नॉन जीरो आ जाए, कोई भी, सब जीरो है तो आपका होमोजीनियस, अगर एक भी अगर ऐसा हो जाए कि जो जीरो नहीं है, तब आपका हो जाएगा नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब देखो दोनों का आंसर कैसे कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस समीकरण के लिए निकाय के लिए हल कैसे निकालेंगे, इसमें दो केसेज है। पहला केसेज ये कि अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर आपका जीरो हो तो संगत हल होगा, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो, जीरो नहीं है, तब आपका संगत हल होगा, ठीक। और इसमें जो आप जो इसको सॉल्यूशन निकालोगे, x बराबर a इनवर्स b करके निकालोगे, आंसर निकलेगा। अब x क्या है, a क्या है, b क्या है, तो ये तो आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा। a जो है पे जो आपका मैट्रिक्स है कोफिशियंट का, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये, और x क्या है, ये आपका चेयर वाला मैट्रिक्स है, ये b क्या है, इधर वाला आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो समझ में आता है सभी को। केसेस सेकंड देखिए, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आपका जीरो रहे, इसमें तो जीरो नहीं था, तो जीरो भी तो हो सकता है ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इसमें क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, या तो आपका अनंत हल होगा। अगर कोई हल नहीं है या फिर कोई अनंत हल है तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो ना, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट निकालने के लिए इसका जो क्या निकालना पड़ेगा, शाखंड निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और उसमें बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए कि हमने ऐसा कर दिया, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो आपका जीरो ही रहेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि यहां पर देखो जो जीरो नहीं था, अब हम बात करें जीरो है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो आपका दोनों में जीरो रहेगा, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर भी जीरो आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू जीरो, एडजॉइंट ए इंटू बी का भी वैल्यू जीरो, तो समीकरण का हल आपका अनंत होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपका जीरो है और एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू जीरो नहीं है, तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा,
कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये पेयर बस इतना ही था आपके डिटर्मिनेंट में। अब बात है यहां पर इसका क्वेश्चन, तो थ्योरी तो मैंने आपको पूरे पढ़ा दी, बहुत ही एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट लेवल ही है, लेकिन इस पर क्वेश्चन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करवाना फिर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो पेयर जो मेरा शाम का जो क्लास होने वाला है उसको एकदम जरूर से सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बताता हूं एक चीज, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव भी छुपा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? जो मैं ऑब्जेक्टिव करवाता तो ऐसा तो थोड़ी कि सिर्फ मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको बताता हूँ, उसको मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ कि कैसे आपका क्यों आंसर कौन सा है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिर तो शाम के क्लास में जरूर सभी बच्चे जुड़िएगा, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा। तो चलिए अभी के लिए बस प्यार इतना ही, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।